Uh, when we talk about language, then uh, language, you know, child uh, just develops after the birth. And when it comes to the environment, then there are many sources of learning language. There are many factors to learn a language. It can be a mother language, it can be another language, it can be a second language. So these are the different types of languages that we learn through our, throughout our life. hai referential language. अब लैंग्वेज की चूँकि डेवलपमेंट हो रही है एक बच्चे की बचपन से तो रेफरेंशल का मतलब है कि सबसे पहले जो स्टेज लैंग्वेज लर्न करने का आता है उसमें बच्चे सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं एक वर्ड पापा मामा या पानी का वो साइन बनाएंगे या फिर अपने अपनी बात को अब तक पहुंचाने के लिए कोई सहारा लेते हैं टूटे फूटे वर्ड्स का तो रेफरेंस ये है कि जैसे पानी पीना है तो ग्लास को हाथ लगाएंगे या वो किसी चीज़ का रेफरेंस देंगे आ, बताएंगे मुस्कराएंगे या आपको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो पहला स्टेज जो रेफरेंशियल लैंग्वेज का ये है कि चाइल्ड लर्नस वन वर्ड देन ही जॉइंट टू वर्ड्स देन ही मेक सेंटेंस टू कम्युनिकेट टू यू सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग उसके बाद इट इज़ अ स्टाइल ऑफ राइट टाइम लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इन विच चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज फॉर द मोस्ट पार्ट टू लेबल ऑब्जेक्ट्स now they are learning this is cup this is bottle this is glass this is toy this is train now their vocabulary is increasing so referential means that they know the uh, pictures of the objects and they can understand and they can identify these uh, items by, by even only seeing the pictures that the dog cat jabuski picture this is dog this is cat उसके बाद फिर हम उनको वीडियोस दिखा रहे होते हैं कार्टून्स देख रहे होते हैं वो उससे भी उनको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है चाहे उन्होंने वो कायदा या किताब अभी नहीं पढ़ी लेकिन पिक्टोरियल एक्सप्रेशन देखने के बाद दे कैन रेफरेंस दे कैन कोट और ये एक रेफरेंशियल लैंग्वेज जो है वो सीखने का अमल है उनका जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस के साथ चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं और हर एक लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट जो है उसके मुख्तफ़ नाम हैं तो अब अगर बच्चा दो या तीन ज़ुबानें सीख रहा है जैसे एक मदर टंग है एक उसकी नेशनल लैंग्वेज है एक सेकेंड लैंग्वेज है तो अब उसको पता है कि इस वर्ड को आ, जो है वो एक तीन ज़ुबानों में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है तो बेसिकली बच्चे जो हैं वो एक एक ऑब्जेक्ट की मुख्तफ़ किस्म के वर्ड जो हैं वो सीख रहे हैं उन्हें डिफरेंसेस भी पता चल रहे होते हैं तो यहाँ पे फिर दिस स्टाइल इज़ यूजफुल टू यंग चिल्ड्रन बिकॉज दिस वे एक्सटेंड्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वकेबलेरी सो यू नो एट दिस चाइल्ड हुड स्टेज दे नो दैट द बीयर एंड बेयर दिस इज़ द वन वर्ड बट इट हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स तो अब रेफरेंस का मतलब ये है कि उनको दो पिक्चर्स दिखाई जाएँ कि ये देखें ये एक एनिमल का नाम भी है और ये जो है ये आप टॉलरेट जिसको आप हम कहते हैं कि हम करते हैं ये उसका मतलब भी ये है यानी अब जो रेफरेंसेस हैं हम उन बच्चों को दे के उस रेफरेंस के साथ जो है वो आ, हम उनको समझा रहे होते हैं किसी भी वैबलरी और किसी भी वर्ड के बारे में तो बच्चों की इस वक्त जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो मेंटल स्टेट है दे कैन लर्न ईजीली दे कैन लर्न दीज टू टाइप्स ऑफ मीनिंग डिफरेंट मीनिंग डबल मीनिंग एंड विद द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दे कैन लर्न एंड दे कैन यू नो को रिलेट द मीनिंग एंड द वर्ड विद द ऑब्जेक्ट्स के ये अब पहले वो सही सीखते हैं कि दिस इज़ कैट फिर वो सीखते हैं कि ये डॉग है अब डॉग और कैट जो है ये दो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं डॉग जो है ये आपको बाइट भी कर सकता है कैट जो है ये आपके साथ जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली रह सकती है ये मीनिंग वो अगले सीखना शुरू हो जाते हैं कि दिस इज़ डॉग बट डॉग इज़ डेंजरस बट द कैट इज़ नाट डेंजरस ये फिर अगला एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके साथ वो सेंटेंस जोड़ के जो है वो समझ रहे हैं यानी रेफरेंस जो है चीज़ों का उसके साथ वो पूरी कहानी जो है उसको वर्ड से फिर सेंटेंस से और फिर उसके मीनिंग के साथ जोड़ के अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो ये आ, रेफरेंशल जो है कि नाउ दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनी कॉन्सेप्ट विदाउट रेफरेंस या रेफरल या पिक्चर या किसी आ, भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि अब आप उनसे कहें कि आप ये बताइए कि जी वट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग तो क्रिटिकल थिंकिंग जो कि एक थाट है एक एब्स्टली उनको एक्सप्लेन करना है तो ये चीज़ अभी वो जो है एक्सप्लेन नहीं करे क्योंकि ये लैंग्वेज की इब्तदाई स्टेज होती है जिसमें वो रेफरेंस के साथ और ऑब्जेक्ट्स जो है उसको जेहन में ला जो है पूरी स्टोरी आपको सुना रहे होते हैं आप उन्हें डेंजरस उन्हें अच्छा बुरा और हॉरेबल ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक या डार्क कोई चीज़ देखेंगे तो वो समझेंगे कि दिस इज डेंजरस क्योंकि उनको आपने बताया है कि डार्कनेस जो है वो डेंजरस होती है उसका फियर होता है तो अब हर एक डार्क चीज़ जो है वो उनको ये लगेगी जैसे ये जो है आपको कहेंगे जी मैं तो बहुत डर गया उसको देख के उसका तो रंग काला था यानी उसके नज़दीक जो है ये ब्लैक कलर जो है ये साइन ऑफ फियर है जिसकी वजह से वो उसका रेफरेंस दे के आपको बता रहा है कि मैं इस वजह से क्योंकि उसकी जो है वो इस वजह से मैं डर गया क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो इस किस्म की थी तो हम जब बच्चे से पूछते हैं कि वो आज खुश क्यों है तो फिर वो रेफरेंस देगा कि रेफरेंस ये है कि आपने मेरी फेवरेट डिश जो है वो आज बनाई तो है लेकिन उसकी शेप आपने उसकी ख़राब कर दी यानी पूरे रेफरेंस के साथ वो एक्सप्लेन करना सीख गया है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है मैं नहीं खाना चाहता इसका टेस्ट इसलिए अच्छा है इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है इसकी शक्ल बड़ी अच्छी है जिसकी वजह से मैं इसको खाना पसंद करता हूँ नाउ द चाइल्ड लर्नस एंड कैन बी एबल टू गिव रीजन्स ऑफ़ डूइंग एनी थिंग ऑफ ईटिंग एनी थिंग और ऑफ़ टेकिंग एनी एक्शन सो इट इट मीन्स दैट उसकी लैंग्वेज का जो स्पेन है वो वन वर्ड्स सेंटेंस से बढ़ के अब थोड़ा सा पैराग्राफ uh, में आ गया है अब वो जो है वो मुख्तु चीज़ एक चीज़ के रेफरेंस की बजाय उस चीज़ को रिलेट करके दो तीन चीज़ों के रेफरेंस के साथ उसको मिला सकता है कि जो अच्छी चीज़ें क्या होती हैं जी वो तीन चार आपको एक ग्रुप में कर देगा वो कौन सी अच्छी चीज़ें नहीं है वो उनको एक ग्रुप में कर देगा और अगर किसी ह्यूमन को उसने uh, अच्छा नहीं कहना तो उसका उसको वो किसी रेफरेंस किसी एनिमल के रेफरेंस के साथ उसको मिलाएगा अगर उसने किसी को अच्छा कहना है तो उसको फेरी कह देगा या उसको प्रिंस कह देगा या प्रिंसेस कह देगा यानी अब रेफरेंसेस के साथ जो है वो किसी भी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस जो है वो कर सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है इस स्टेज के अंदर तो दिस इज़ द स्टेज ऑफ द रेफरेंस या रेफरेंस या रेफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट चाइल्ड इज़ लर्निंग